हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हब से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो इकोनॉमिक्स का बेसिक पार्ट होता है वो डिस्कस करूंगी कि हमारा जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, इसमें हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं और जो फोर डेफिनेशंस वेल नोन ऑथर्स ने, वेल नोन इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हमारा बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो होती किस वजह से अराइज है, मतलब क्या रीजन है उसके पीछे। देखिए, हमें सबको पता है कि जो ह्यूमन वॉन्ट्स है ना वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि एक अगर हमारी पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी अराइज हो जाती है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो वॉन्ट्स है वो इनफिनाइट है, अनलिमिटेड है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्कार्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, फिनाइट होते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास जो वॉन्ट्स है वो तो अनलिमिटेड है और जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास लिमिटेड है, तो किस हिसाब से हम उनको यूज करें जिससे कि हमारे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके। तो इसकी स्टडी, इसको प्रॉपर बैलेंस में जो बिठाता है, इसकी स्टडी कौन करता है, इसकी स्टडी करता है हम कहाँ करते हैं इसकी स्टडी, इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो यही तो हमारी इकोनॉमिक्स है और क्या है कि किस तरीके से हम जो रिसोर्सेस हमारे पास फिनाइट है उनको यूज करें हैं जिससे कि हमारी जो वॉन्ट्स है वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें हो सके। तो यही हमारी लेमन लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स का मतलब है। तो देखते हैं आगे इसकी फोर सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है। देखिए, अगर आज आप भी कोई बिजनेस ओपन करना चाहें, कोई भी स्टार्टअप लेना चाहे, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या प्रोड्यूस करूं। सबसे पहले आपके माइंड में यही तो क्लिक करेगा कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं। उसके बाद आप क्या सोचोगे, हाउ टू प्रोड्यूस, कि मैं किस हिसाब से प्रोड्यूस करूं कि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो आएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करूं, कौन सा मार्केट को मैं टारगेट करूं, किस तरीके के कंज्यूमर को मैं टारगेट करूं जिससे कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके, और व्हेन टू प्रोड्यूस, कब मैं बनाऊं उस प्रोडक्ट को, जब हमारी कस्टमर की नीड अराइज होती है आप तब बनाओगे या पहले बनाओगे। इन सारे के क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ेंगे जब आप अपनी इकोनॉमी के अंदर हो और आप स्टार्टअप करना जा रहे हो। तो दीज आर दी फोर मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन एनी इकोनॉमी जो अराइज होती है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पॉइंट मुझे क्लियर करना है, एक टर्म होता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या है, कमी होना, राइट। कि आपके पास जो है, जो रिसोर्सेज आपके पास है वो कैसे हैं, कम है। कोई भी ये तो नहीं बोलेगा कि आई हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज, नहीं बोलेगा। जब हम स्टार्टअप करते हैं तो फोर मेन रिसोर्सेज का यूज करते हैं। वो मेन रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं हमारे पास, एक होता है लेबर, नेक्स्ट वन इज कैपिटल, नेक्स्ट इज लैंड, एंड फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। यही तो चार चीजों का यूज करते हैं और हमारे इकोनॉमी के अंदर ये चारों चीजों की क्या है भाई, स्कार्सिटी है। हमारे पास इस सभी चीजों की क्या है, स्कार्सिटी है, कमी है। हमारी सोसाइटी के अंदर ये मेजर प्रॉब्लम अराइज हो जाती है जो जिससे हमें डील करना पड़ता है, राइट। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड। कहाँ से डिराइव हुआ है, ये ग्रीक वर्ड से हुआ है। कौन कौन से ये दो वर्ड्स हैं जिनके मिलके बना है हमारा वर्ड इकोनॉमिक्स, पहला है ओइकोस एंड सेकंड वन इज निमिन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस और निमिन का मतलब होता है टू मैनेज, कि किस तरीके से एक हाउस होल्ड अपने घर को चलाता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से डिराइव हुआ है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। किन दो वर्ड से बना है, अभी मैंने बताया आपको, ओइकोस एंड निमिन। It tells us how a household manages with the available funds in the most economical manner. कि किस तरीके से एक household अपने घर को run करता है अपने limited resources के साथ to satisfy their unlimited wants. कि किस तरीके से वो अपनी unlimited wants को satisfy कर सके with the available funds. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, economics बोलते हैं। एक definition और basic सी given है economics की, वो क्या है, economics studies the way as society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. यहाँ पे मुझे कुछ keywords मिले, कौन कौन से keywords मिले, एक तो society, एक choose, एक limited resources and then alternative uses, produce करना है हमें क्या, goods and services को, distribute कर देना है
डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक एक स्टडी है, किस चीज की स्टडी है? सोसाइटी की, कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर हम लिमिटेड रिसोर्सेज को चूज करते हैं जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, और उनको प्रोड्यूस करके हमें कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोर मेन डेफिनेशंस जो हमारे वेल नोन इकोनॉमिस्ट ने दी है। सबसे पहले डेफिनेशन आती है वेल्थ डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन आती है हमारी वेल्थ डेफिनेशन, ये किन्होंने दी है? हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने दी है, दैट इज एडम स्मिथ। कब दी थी ये डेफिनेशन? 1776 में दी थी, जब उन्होंने बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने बोला जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। वेल्थ की स्टडी करना, वेल्थ कैसे जनरेट होगा, वेल्थ कैसे क्रिएट होगा, नेशन की वेल्थ हम कैसे बढ़ाएं, इस चीज की जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। वेल्थ मतलब होता क्या है? वेल्थ क्या होता है? वेल्थ रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। आप अपनी कंट्री में ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं जो हमारे ह्यूमन के वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके। अगर आप ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो तो आपकी कंट्री की क्या है? वेल्थ जनरेट हो रही है। इन्होंने ये बोला। वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में सोना चांदी रख लो, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ प्रीवियस मैटर डज नॉट इंक्लूड इन द नेशंस वेल्थ। इसका मतलब ये नहीं है अगर आप घर में गोल्ड एंड सिल्वर रख लेते हो तो आपकी कंट्री की नेशन की वेल्थ बढ़ रही है। नो, वेल्थ कब बढ़ती है? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज बना के उसे कंट्री के अंदर फ्लोट करते हो, सर्कुलेट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तभी तो मनी सर्कुलेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ना। कैसे वेल्थ जनरेट होगी? तभी तो होगी कि आप गुड्स एंड सर्विसेज बनाइए और उसको सर्कुलेट करिए, आपके पास से पैसा सामने वाली पार्टी पे जाएगा, देन उसको फिर सर्कुलेट होके वो किसी और पे जाएगा। इस हिसाब से वेल्थ बढ़ती है। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग, कैसे हमें वेल्थ मिलेगी, और वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल। इन्होंने एक चीज और बोली, ही कंसिडर दैट द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी वॉन्ट टू प्रमोट ओनली हिज ओन गेन, कि एक इंडिविजुअल सिर्फ ये चाहता है अपना ही अपना फायदा देखना चाहता है। कि किस हिसाब से एक सोसाइटी में एक बंदा ये चाहता है कि वो अपना फायदा कर सके, बढ़ा सके। तो ये डेफिनेशन हमारे किसने दी थी? एडम स्मिथ जी ने दी थी। फर्स्ट डेफिनेशन थी वेल्थ डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज वेलफेयर डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन किन्होंने दी? अल्फ्रेड मार्शल ने दी, जो कि थे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। कब दी थी इन्होंने? जब वो बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर 1890। इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उन्होंने बोला था जब आप वेल्थ के बारे में स्टडी करते हो कि वेल्थ कैसे क्रिएट होगा, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इन्होंने बोला जब आप मैनकाइंड की स्टडी करते हो, मैनकाइंड मतलब जब आप ऑर्डिनरी मैन की स्टडी करते हो कि जो आपकी सोसाइटी में रह रहा है उसके बारे में आप देखते हो कि वो किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहा है, तो उस चीज को हम बोलते हैं वेलफेयर डेफिनेशन। उन्होंने बोला इसको वेलफेयर डेफिनेशन बोला, और इन्होंने बोला इसी चीज को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि किस तरीके से एक बंदा जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ है उसमें वर्क कर रहा है, उसमें वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, उस चीज को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक स्टडीज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन इन प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर ऑफ पीपल, कि किस हिसाब से लोगों का वेलफेयर बढ़ सके, कि कैसे एक बंदा अपनी इनकम जनरेट करता है, उसको कैसे यूज करता है, उस चीज को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। मेन एम क्या होता है इकोनॉमिक्स का? कि किस तरीके से हम मटीरियल वेलफेयर को प्रमोट कर सके, कैसे हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं। जब वो बढ़ेगा तभी हमारी जो इकोनॉमिक का वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। इकोनॉमिक्स में वेलफेयर बढ़ेगा, इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर इंक्रीज होगा। इस चीज को डेफिनेशन ये किसने दी थी? हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी ने दी थी। उन्होंने बोला साइंस ऑफ वेल्थ, इन्होंने बोला स्टडी ऑफ मैन। थर्ड डेफिनेशन आती है हमारी स्कार्सिटी डेफिनेशन, जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम होती है। इन्होंने उस चीज को कंसिडर किया रॉबिन जी ने, ठीक है। वो हमारे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने भी एक बुक लिखी लाइक जैसे हमारे एडम स्मिथ ने लिखी थी, अल्फ्रेड मार्शल जी ने लिखी थी। बुक का नेम था एन एस्से ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कब लिखी थी? 1932। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो हम पहली स्लाइड में बात कर रहे थे वो इन्होंने उठा के बात करी। नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलती हूँ आपको और समझाती हूँ। इन्होंने बोला ना तो हमारी इकोनॉमिक्स में वेल्थ आता है
ना ह्यूमन वेलफेयर आता है। क्या आता है? स्कार्सिटी आती है, कमी आती है कि रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है। तीन चीजों को इन्होंने, तीन मेन प्रॉब्लम्स पे वर्क किया। क्या क्या चीजें थी? फोकस डाला इन्होंने अनलिमिटेड बॉन्ड्स, ह्यूमन बॉन्ड्स कभी सेटिस्फाई नहीं होंगी, एक पूरी होगी तो दूसरी और अराइज हो जाएगी, राइट। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास है वो सब स्कार्स है। नोबडी सेज की मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। थर्ड वन इज, जो रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। सो वी आर कंफ्यूज कि उन रिसोर्सेज को कहाँ यूटिलाइज करें, राइट। तो देर आर थ्री मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो उन्होंने डिस्कस करी। ये हमने फर्स्ट स्लाइड में चार्ट समझ लिया था कि वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी हैव अनलिमिटेड बॉन्ड्स, और इनका कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे बैलेंस बिठाना है, वो चीज हमारी होती है इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी। इस चीज की ही हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। लास्ट डेफिनेशन इज ग्रोथ डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हमारी किन्होंने दी है? पॉल सैमुएलसन जी ने दी है, जो हमारे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। दिस डेफिनेशन इज बीइंग कंसीडर्ड एज द बेस्ट डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारी ही चीजों को आप कह सकते हो सम अप करा है। जितनी पुरानी डेफिनेशन थी इन्होंने सबको मिला लिया और अपनी डेफिनेशन दी। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक इज दिस स्टडी ऑफ मैन एंड सोसाइटी। मैन और सोसाइटी की स्टडी है, जहाँ पे वो क्या चूज करते हैं कि वो मनी का यूज करें या ना यूज करें। उससे वो क्या करेंगे भाई, मनी का यूज करके आप क्या करोगे, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को इम्प्लॉय करोगे, यूज करोगे, जिसके थ्रू आप क्या बनाओगे, वेरियस कमोडिटीज को बनाओगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी फॉर देयर कंजम्पशन। यहाँ पे कुछ की वर्ड्स है, मैं माफ कर देती हूँ। मैन और सोसाइटी की स्टडी चूज करते हैं कि वो मनी का यूज करें या ना करें। किस लिए चूज करेंगे? कि वो अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर सके और वेरियस कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद जब प्रोड्यूस करोगे तो भाई डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी फॉर देयर कंजम्पशन। तो ये मेरे की वर्ड्स थे जो हमारी पूरी डेफिनेशन को बना रहे थे। आई होप आपको सारी की सारी डेफिनेशंस की क्लैरिटी हुई होगी कि उन्होंने क्या किस चीज पे मेन फोकस डाला है। अब ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहते हैं, ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है, कि ये वाली बुक किसने लिखी थी। इन चार ऑथर्स के नेम है, आपको बताने हैं कि इसमें से किसने ये वाली बुक लिखी थी। सेकेंड क्वेश्चन भी होमवर्क में रहने वाला है कि ह्यूमन वेलफेयर के बारे में किसने डिस्कस किया था, इन चारों में से ह्यूमन वेलफेयर में केयर को किसने एम्फसाइज किया था, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई हों। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको पसंद आई हो, और इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।